प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, मगर दोनों ही दल इन चुनावों को जीतने का दावा कर रहे हैं। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पार्टी उपचुनावों के लिए काफी पहले से तैयार बैठी है और तीनों विधानसभा सीटों के साथ मंडी लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। जब से सीटें खाली हुई तब से ही बीजेपी तैयारी कर रही थी और हम पूरी तरह तैयार हैं। चारों की चारों सीटें इस बाई इलेक्शन में जीतेंगे, एक पार्लियामेंट की और एक तीन लोकसभा विधानसभा। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा हमेशा से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है और इन चुनावों में भी विकास के नाम पर ही पार्टी लोगों के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास में विश्वास रखती है और विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा मार लगेगी। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और हिमाचल का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। विकास के मामले में जब भी मार पड़ेगी कांग्रेस को ही पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के द्वारा कर्मचारियों को डराने धमकाने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि नौजवान जोश में बहुत कुछ कह जाते हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, नौजवान कई बार जोश में बोल देते हैं।